नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। मनोरमा देवी और अत्याचार के अन्य मामलों में दोषी सैन्य जवानों व अफसरों को सजा देने की मांग को लेकर शुक्रवार को जंतर मंतर पर JNUSU, मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली, मजदूर एकता केंद्र आयशा सहित कई वामपंथी संगठन ने एक जगह होकर धरना प्रदर्शन किया। सशस्त्र संघर्ष क्षेत्रों में सैन्य बलों के खिलाफ जंतर मंतर पर लाल झंडे के बैनर तले इंकलाब का नारा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लोकतंत्र में भले ही स्वतंत्रता का मापदंड भारत में जो भी हो, लेकिन उस दिन को भी नहीं भुलाया जा सकता है जब कुछ महिलाओं ने इम्फाल, मणिपुर में स्थित असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने नग्न अवस्था में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बैनर पर लिखा था, भारतीय सेना हमारा बलात्कार करो। जंतर मंतर पर मनोरमा देवी को न्याय की मांग पर वामपंथी छात्र संगठन के अलावा मजदूर भी मनोरमा की शहादत पर राजनेताओं की फासिस्ट राजनीति का विरोध करते नजर आए। करीब 25 संगठन का एकजुट होकर मनोरमा देवी के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करना इस बात को दिखाता है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की यथावत स्थिति। बुनियादी जो हमारी मांग है कि एक हमारा संविधान सबको कानून कहता है कि हमारे संविधान के तहत सब बराबर हैं। हमारा कहना है कि अगर सब बराबर हैं तो क्या वजह है कि फौजियों को जो क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ नागरिकों के खिलाफ वो जो अपराध करते हैं वहाँ उनको क्यों नहीं ले जाया जाता है, उनको कहाँ क्यों नहीं उनको सजा मिलती है। 10 साल पहले किसी का रेप होके कत्ल हुआ था, उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हो रहा है, क्योंकि आसपा का ये कानून ये बोलता है कि जो आर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसी मतलब ऐसा मतलब कोई कातिल और कोई रेपिस्ट को बढ़ावा देने वाला ऐसे कानून को हटाना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका मतलब कि भारत सरकार जो रेपिस्ट है, जो भारत सरकार ये मर्डर है उसको सपोर्ट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में किया गया एक गांव सुबू लपांग का उद्घाटन, विधायक तागे ताकी ने किया उसका उद्घाटन। सुबू लपांग गांव जीरो के हीजा गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबू लपांग गांव हीजा गांव के ही विस्तार के रूप में है। जीरो घाटी को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए जीरो के लोग जंगल की ओर अपने गाँवों का और विस्तार कर रहे हैं। उद्घाटन के समय विधायक तागे ताकी ने हीजा गाँव के लोगों की इस नेक पहल की सराहना की। आपको बता दें कि करीब 50 साल पहले 50 लोगों की आबादी के साथ हीजा लोग सुबू लपांग गांव में बसे थे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें सुबू लपांग को छोड़कर हीजा गांव में जाना पड़ा था। फिलहाल लगभग 100 लोग सुबू लपांग में रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए डेंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित कर सकता है एरो स्पोर्ट। सेंचुरी को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एरो स्पोर्ट की शुरुआत की जा सकती है। इसमें हैंड ग्लाइडिंग और बैलूनिंग शामिल होता है। पासीघाट से 25 किलोमीटर की दूरी पर 23 अगस्त 1973 में लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी और 23 अगस्त 1978 को इसका नाम बदलकर डेंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया था। ये सेंचुरी 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर 29 मैमल प्रजातियां, 156 पक्षियों की प्रजातियां, 13 सांप की प्रजातियां और 91 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले साल यहां इको डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया था। साथ ही उन्होंने एरो स्पोर्ट के बारे में भी बताया। लास्ट कैमरा ट्रैफिक में WWF किया था, तो उसमें काफी सेंचुरी का जो स्टेटस है ये इम्प्रूव हो रहा है और विद इन 2-3 ईयर्स में शायद हम यहाँ में इको टूरिज्म का बहुत जीप सफारी शायद हम लोग प्रपोज करने जा रहा है। सीनियर जो IR अथॉरिटीज है इन लोगों को ही हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें हो सके स्टाफ स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि हमारा पास में सिर्फ रेगुलर स्टाफ 13 है। फ्रंटलाइन स्टाफ जो कंटिजेंसी है वो अप्रूव 21 है, क्योंकि ये सेंचुरी ऐसे जगह है, देर आर 23 विलेजेस इन एन अराउंड एंड मोर देन 5,000 लाइसेंस होल्डर ऑफ गन्स।
तो इसी को एक कंट्रोल करने के लिए हमको स्टाफ स्ट्रेंथ अपग्रेड करना पड़ेगा। डाइंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पासीघाट में एक बुरगुली नाम का एक विलेज में पड़ता है, और यहाँ के DFO जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का DFO जो है, उनका कहना है कि EDS के सपोर्ट की वजह से और यहाँ के पब्लिक के सपोर्ट की वजह से जो पिछले साल तक पोचर्स का बहुत ही इवेंट यहाँ पर एक्टिविटीज चलता था, वो अभी फिलहाल बिल्कुल ही बंद हो गया जैसा है, और अगर आने वाले समय एक दो साल में ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और इनका कहना है कि ये सेंचुरी जो है एक इको टूरिज्म प्लेस भी बन सकता है अगर सरकार का कुछ मदद मिले तो। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा रिपोर्टिंग फ्रॉम बोरगुली पासीघाट फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट नगर परिषद ने कहा पासीघाट की वर्तमान स्थिति में अविलंब सुधार होगा। बदहाल स्थिति में है वर्तमान में पासीघाट की वस्तु स्थिति। 2013 में ईटानगर के पापुमपारे और पासीघाट के पश्चिम सियांग जिले में नगर परिषद की शुरुआत की गई थी। पासीघाट नगर परिषद के चीफ काउंसलर दिनोंग तामुक ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए बताया कि क्षेत्र में गार्बेज मैनेजमेंट में काफी सुधार किया गया है, और अगर राज्य सरकार उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो क्षेत्र में और भी सुधार किए जाएंगे। साथ ही चीफ काउंसलर ने ये भी बताया कि सड़कों के रख रखाव के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अब जल्द ही उसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो इसी नाते अभी तक हमें एक साल की पूरी हुई है, तो एक साल पूरे होने के बाद हमें पब्लिक का जो कमिटमेंट बहुत है, फिर भी इसको तो पूरा सुविधा नहीं दिया है, फिर भी हमें अभी कोशिश तो जारी है। अभी सब जगह जिसमें जो होना है और डेवलपमेंटल जो कुछ होना है हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। अभी कोशिश होना मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमें अभी तक ये काम करने के लिए इतना तो फंडिंग तो नहीं हुई, सिर्फ मैन हमें ये दिया है गवर्नमेंट जो डेवलप किया है 13 फंक्शनरी, ये 18 सब्जेक्ट में से अभी हमको 13 फंक्शनरी गवर्नमेंट दिया है, तो उसी से हम लोग काम तो चल रहे हैं। पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल के चीफ काउंसिलर मिस्टर देनोंग तामुक का कहना है कि पासीघाट में म्यूनिसिपलिटी का एक साल पूरा हो चुका है और जितने भी यहाँ के प्रॉब्लम्स है उनको जल्द ही ठीक किया जाएगा, और आने वाले समय में ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने के लिए 32 करोड़ का बजट सैंक्शन हो चुका है और जल्द ही इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द ही हो जाएगा। और इनका मानना है कि यहाँ के पासीघाट के जितने भी प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर जितने रोड का प्रॉब्लम है और पानी का प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, और आने वाले समय में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए रेलवे को लेकर आएंगे और जो अभी एयरफील्ड है इनको अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रहा है। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा रिपोर्टिंग फ्रॉम पासीघाट फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द डाउन लिट पोस्ट ने लॉन्च की अपनी आधिकारिक वेबसाइट। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द डॉन लिट पोस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। अब किसी भी अपडेट के लिए आप www.donlitpost.com पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट लॉन्च के समय संपादक डॉक्टर एसए ने कहा कि इस वेबसाइट को एक नया अवतार दिया गया है, इसे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर कर दिया गया है, साथ ही ये बेहद आसानी से चलने वाली वेबसाइट है। वहीं सूचना और प्रचार के संसदीय सचिव बावंग फेलिक्स ने मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया को समाज के लाभ के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। Indeed, I have not much to say. As you all know, the importance of launching a website. When I was extending to grace the occasion, I was already excited because this is an endeavor towards serving the society. While taking this opportunity, just I want to
remind all my media friends that the present generation, the contemporary of Arunachal Pradesh. Well, the launch of Dongling Pass is not just getting an edge closer to the world of ICTs. It's more like a reincarnation of the Dongling Pass itself. That is, from being black and white to being color, then to have young and dynamic journalists of the state. And at this age of connectivity, it is, of course, very important for us to have a website so that accessibility and outreaching is there. रंगमंच और फिल्मों की मशहूर अदाकारा जोहरा सहगल ने गुरुवार को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिल्ली में दी गई जोहरा सहगल को अंतिम विदाई 102 साल की थी। जोहरा सहगल, जोहरा सहगल का दिल्ली में कल अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राजनीति और बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थी। जोहरा सहगल का गुरुवार शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर और इप्टा के साथ अभिनय की यात्रा शुरू करने वाली जोहरा सहगल ने इंग्लैंड के कई मशहूर टीवी सीरियलों के अलावा बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया था। उन्हें 1998 में पद्मश्री और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 80 साल से भी ज्यादा उम्र के होने के बाद बॉलीवुड के साथ नई पारी शुरू की थी। जोहरा सहगल ने वीर ज़ारा, चीनी कम, हम दिल दे चुके सनम और सावरिया जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। उनका साथ एक ना भूलने वाला अनुभव था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अमेरिका आने का न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी में निर्णायक साझेदारी का रूप देने के लिए उनके साथ नजदीकी तौर पर काम करने की इच्छा जताई है। मोदी ने इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्हें सितंबर में इस यात्रा का इंतजार रहेगा, जिससे ऐसे ठोस परिणाम आएंगे जो रणनीतिक साझेदारी को नई गति और ऊर्जा प्रदान करेंगे। लोकसभा में पेश किया गया ट्राई संशोधन बिल, नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पेश किया यह बिल। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त करने के मसले पर बीजेपी सरकार ने बिल पेश किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्राई संशोधन बिल शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। इस बिल का कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। दोनों पार्टियां कानून में संशोधन करके नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का विरोध कर रही हैं। आपको बता दें कि सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर उस कानून में संशोधन किया है जो मिश्रा को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने से रोक सकता था। ट्राई कानून के तहत पद छोड़ने के बाद उसके अध्यक्ष एवं सदस्य केंद्र या राज्य सरकारों में कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकते हैं। पुणे में हुए ब्लास्ट को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को किया बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के अनुसार आतंकियों के निशाने पर थी महाराष्ट्र पुलिस। पुणे में गुरुवार को हुए ब्लास्ट को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान स्थित आकाओं ने इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल को ऐसा करने का आदेश दिया गया था। NIA ने IM के इंटरनेट मैसेज को इंटरसेप्ट कर ये पता लगाया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर सभी प्रवेश मार्गों और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। गौरतलब है कि पुणे में गुरुवार को दोपहर बाद एक मोटरसाइकिल में हुए कम क्षमता वाले विस्फोट में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए थे। मुंबई में तेज बारिश से जनजीवन हुई अस्त व्यस्त, यातायात पर भी पड़ रहा है इसका बुरा असर। मुंबई में कल सुबह कई इलाकों में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, साथ ही सड़क यातायात पर भी बुरा असर पड़ा। पानी भरने और भारी ट्रैफिक के कारण लोगों को दफ्तर जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बारिश का असर धीरे धीरे लोकल ट्रेनों पर भी पड़ने लगेगा। सेंट्रल और हार्बर रूट की लोकल ट्रेनें आधे घंटे देर से चल रही हैं, जबकि वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेन करीब 10 मिनट की देरी से चल रही है। जापान की राजधानी टोक्यो के बाद साल 2014 में दिल्ली बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। 1990 के बाद दिल्ली की आबादी 2 गुने से अधिक बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुंच गई है। वैश्विक शहरीकरण संभावना के साल 2004 के संस्करण में कहा गया है कि भारत में 2050 तक
शहरी आबादी सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है और ये चीन से भी अधिक होगी। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो 3.80 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हालांकि इस शहर की आबादी में गिरावट के संकेत है। वहीं रिपोर्ट में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में मुंबई छठे स्थान पर है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।